प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि शादी की पहली रात ही शौहर ने अपनी बीवी से बच्चे की फरमाइश कर दी। यानी शादी की पहली रात ही शौहर ने अपनी बीवी से कहा, मुझे बच्चा चाहिए। फिर बीवी ने क्या किया, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, किसी गांव में एक औरत अपने बहू और बेटे के साथ रहती थी। बेटे का नाम साजिद और बहू का नाम शबाना था। दोस्तों, हमने पहचान छुपाने के लिए यह नाम बदल दिए हैं। साजिद और शबाना की शादी को 5 साल गुजर गए। एक दिन शबाना और साजिद की अम्मी दोपहर का खाना खा रही थी। अचानक साजिद की अम्मी शबाना से बोली, बेटी तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए हैं, अभी तक तुमने हमें पोते और पोती का मुंह नहीं दिखाया, आखिर बच्चे कब होंगे? आज जब तुम्हारे साथ अस्पताल गई थी तो सोचा कि शायद कोई खुशखबरी होगी, पर क्या था, वही गैस और तेजाबियत का मसला। तो शबाना बोली, अम्मी खुदा के यहाँ देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। मगर शबाना की सास बोली, तुम्हारे साथ जिनकी शादियाँ हुई थी वो सब दो दो तीन तीन बच्चों की माँ बन गई है, तुम अभी तक एक बच्ची की माँ नहीं बन सकी। शबाना बोली, अम्मी अगर यह सब मेरे हाथ में होता तो मैं कब की आपको दादी बना देती, लेकिन मैं भी क्या कर सकती हूँ। इतने में साजिद बोला, शबाना जाओ तुम मेरे लिए चाय बना कर लाओ। शबाना चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। शबाना के जाने के बाद साजिद की अम्मी बोली, बेटा अगर तुम्हारी बीवी बच्चा नहीं पैदा कर सकती तो तुम ही कुछ करो। साजिद बोला, अम्मी आखिर बच्चा तो शबाना ही पैदा करेगी, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। उस पर साजिद की अम्मी बोली, तुम क्यों नहीं कुछ कर सकते, तुम कम से कम दूसरी शादी तो कर सकते हो, बच्चे तो पैदा हो जाएंगे। तो साजिद बोला, अम्मी मैं तो शादीशुदा हूँ, मुझसे भला कौन शादी करेगा। तो साजिद की अम्मी बोली, मेरी एक दोस्त है, उनकी बेटी का नाम नेहा है, कम उम्र की लड़की है, अभी कुंवारी है, तेरी और उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि तू शबाना को तलाक दे दे, तू उसको भी अपने साथ रख, तेरा अपना इतना अच्छा खासा कारोबार है, तू बहुत आसानियों से दो बीवियों का खर्चा उठा सकता है। शबाना जो किचन में चाय बना रही थी उसने ये सारी बातें सुन ली। जब साजिद कमरे में आया तो शबाना रोने लगी। साजिद ने रोने की वजह पूछी। शबाना बोली, मैंने आपकी और अम्मी की सारी बातें सुन ली, आप मुझे छोड़कर दूसरी औरत को घर में लाना चाहते हैं। तो साजिद बोला, ऐसा नहीं है शबाना, वो तो मेरी अम्मी का हुक्म है और मैं अपनी अम्मी का हुक्म नहीं टाल सकता, और तुम्हें भी पता है हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और अभी तक बच्चे का कोई नामो निशान तक नहीं है, मैं अपनी अम्मी को एक पोता या पोती तक नहीं दे सका। और सुनो शबाना, इस घर में तुम्हारा जो मकाम है तुम्हारा वही मकाम रहेगा। अगले दिन साजिद की अम्मी अपनी सहेली के घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर गई। जब साजिद की अम्मी ने अपनी सहेली से साजिद के लिए उसकी बेटी का हाथ मांगा तो नेहा की अम्मी बोली, मगर आपका बेटा तो पहले से ही शादीशुदा है। उस पर साजिद की अम्मी बोली, हाँ है तो, लेकिन ना होने के बराबर, क्योंकि साजिद की बीवी शबाना बच्चे पैदा नहीं कर सकती, अगर उसने वारिस नहीं देना है तो क्या फायदा ऐसी बीवी का। साजिद की अम्मी ने अपनी सहेली को राजी कर लिया और फिर 2 दिन के बाद साजिद और नेहा का निकाह हो गया। निकाह करके साजिद नेहा को अपने घर ले आया। साजिद जब अपनी दूसरी बीवी यानी नेहा के कमरे में घुसा तो उसे कहने लगा कि नेहा अब तुम मेरी शरीके हयात बन चुकी हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा जो प्यार इज्जत और जो मकाम मैंने अपनी पहली बीवी यानी शबाना को दिया मैं तुमको भी वही दे सकूं। फिर साजिद ने नेहा को मुंह दिखाई का तोहफा दिया तो नेहा बोली, मेरे पास भी आपके लिए एक तोहफा है। तो साजिद बोला, मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए, मेरे पास घर गाड़ी पैसा सब कुछ है, यहाँ तक के बीवी पहले से मौजूद है, लेकिन एक चीज की बहुत कमी है और उसके बगैर ये सब चीजें बेमायने लगती है। मेरी यह ख्वाहिश है कि मेरे घर के आंगन में मेरी गोद में एक छोटा सा बच्चा खेले, बस मुझे तुमसे यही चाहिए और मेरी अम्मी की भी यही ख्वाहिश है।
तो नेहा बोले, इंशाल्लाह मैं आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी। अगले दिन शबाना ने सबके लिए नाश्ता तैयार किया। शबाना के सास शबाना से बोले, शबाना क्या अभी तक साजिद और नेहा नाश्ते के लिए नहीं आए? तो शबाना बोले, नहीं अम्मी, उसके थोड़ी देर के बाद साजिद अपने कमरे से बाहर आया और बोला, अम्मी मैं हलवा पूरी लेने जा रहा हूँ, आपकी बहू नेहा की फरमाइश है। साजिद ने अम्मी से पूछा, अम्मी आपको भी खाना है? आपके लिए भी हलवा पूरी ले आऊं? साजिद की अम्मी बोली, ठीक है मेरे लिए भी ले आना। साजिद ने जब शबाना से हलवा पूरी के बारे में पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया। उस दिन रात का खाना भी शबाना ने तैयार किया। सब खाना खा रहे थे और शबाना उनके पास खड़ी थी तो नेहा बोले, तुम क्यों इस तरह सर पर खड़ी हो, बैठ जाओ और खाना खा लो। उस पर शबाना बोले, मैं सबको खाना खिलाने के बाद ही खुद खाना खाती हूँ। उस पर नेहा बोले, तुम क्या बूढ़ियों जैसे रिवाज कायम करके बैठी हो। कुछ दिनों के बाद छोटी छोटी बातों पर नेहा और शबाना की तू तू मैं होने लगी तो साजिद ने उनकी लड़ाई खत्म करने के लिए कहा, खाने के बाद हम लोग बाहर घूमने चलते हैं, थोड़ा घूम फिर आते हैं। तो नेहा मान गई, लेकिन शबाना बोली, मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं तुम दोनों के दरमियान नहीं आना चाहती हूँ। जब नेहा और साजिद बाहर घूमने चले गए तो नेहा बोले, आपने शबाना को साथ आने के लिए क्यों कहा? मुझे वो बांझ औरत बहुत बुरी लगती है। तो साजिद बोला, वह मेरी बीवी है और मैं तुम दोनों को बराबर का हक देना चाहता हूँ। साजिद और नेहा की शादी को भी एक साल का अरसा गुजर गया लेकिन बच्चे की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। एक दिन नेहा अपने कमरे में बैठे सोच रही थी कि एक साल हो गया है और मैं उम्मीद से नहीं हो सकी, कहीं साजिद मुझे तलाक ना दे दे क्योंकि उसने मुझसे सिर्फ बच्चे के लिए शादी की है। उसने सोचा, क्यों ना मैं साजिद को ऐसा महसूस कराऊं जैसे मैं माँ बनने वाली हूँ। इस तरह से साजिद और मेरी सास का पूरा ध्यान मेरे पर हो जाएगा। नेहा बार बार ड्रामा करती कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जब पहली बार नेहा ने पेट में दर्द का ड्रामा किया तो साजिद और उसकी अम्मी ने फैमिली डॉक्टर को घर बुलाया, उसका चेकअप करवाया तो उसे कुछ नहीं हुआ था। डॉक्टर ने नेहा का ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए लिया और चले गए। उसी रात नेहा ने पेट दर्द का ड्रामा किया था तो उसके सास और उसके शौहर उसको फौरन अस्पताल लेकर जाने लगे। इतने में शबाना के चीखने की आवाज आने लगी। साजिद बोला, अम्मी आप नेहा को संभालो, मैं शबाना को देखता हूँ। तो साजिद की अम्मी बोली, अरे बेटा उसको क्या होगा, वही गैस और तेजाबियत का मसला होगा, उसकी दवाई घर पर पड़ी है, वो खुद दवा ले लेगी, तुम नेहा को संभालो। जब साजिद और उसकी अम्मी जब नेहा को अस्पताल लेकर गए तो उसे कुछ भी ना था। जब घर वापस आई अपने कमरे में चली गई तो साजिद बोला, अम्मी मैं शबाना को देखकर आता हूँ। साजिद जब शबाना के कमरे में गया, साजिद ने कहा, शबाना अब तबीयत कैसी है? तो शबाना बोली, आपको क्या लगेगा, आप तो मुझे तकलीफ में तड़पता हुआ छोड़कर चले गए थे। तो साजिद बोला, तुम्हें मसला क्या है, तुम्हें गैस और तेजाबियत का ही तो मसला है, उसकी दवाई तो घर पर मौजूद है, ले लेती? तो शबाना बोली, हाँ अच्छा ठीक है, आपकी तवज्जो तो पूरी तरह हट गई है, अब आपको क्या मतलब, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए। तो साजिद बोला, मैं क्या करता, अगर उसे अस्पताल लेकर ना जाता। तो शबाना बोले, हाँ आप उसी से प्यार करते हैं, मेरे लिए तो आपके पास वक्त ही नहीं है। तो साजिद बोला, मैं तंग आ गया हूँ तुम दोनों का ख्याल रखते रखते, लेकिन तुम दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। साजिद यह कहकर शबाना के कमरे से बाहर चला गया। अगले दिन वही फैमिली डॉक्टर नेहा की रिपोर्ट लेकर आई और बोली, आपकी बहू नेहा अपने बनाए हुए जाल में खुद ही फंस गई, ऐसी बीमारी की दवा खा रही है जो उसको है ही नहीं और अब उसे वही बीमारी लग गई है, अब वो कभी बच्चे की माँ नहीं बन सकती। साजिद की अम्मी कहने लगी, शायद मुझे बहू शबाना की बददुआ लग गई, मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, आज अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे ये दिन दिखा दिया। अभी साजिद की अम्मी डॉक्टर से बातें कर रही थी कि अचानक शबाना के चीखने की आवाज़ सुनाई दी।
तो लेडी डॉक्टर बोले, ये कौन चीख रहा है? साजिद बोला, ये शबाना है। तो डॉक्टर ने कहा, अगर आप कहें तो मैं एक बार शबाना का चेकअप कर लूं। साजिद ने कहा, जी हाँ जरूर। साजिद की अम्मी बोली, मुझे तो लगता है कि शबाना भी नेहा की तरह ड्रामा कर रही है। लेकिन जब लेडी डॉक्टर ने शबाना का चेकअप करके बाहर आई तो उसने बताया कि आपके लिए खुशखबरी है। साजिद की अम्मी मुंह बनाते हुए बोली, क्या खुशखबरी है? तो लेडी डॉक्टर ने कहा, आप दादी बनने वाली है। आपकी बहू का तीसरा महीना चल रहा है, उसको मेरे पास अस्पताल ले आना, मैं उसके सारे टेस्ट कर लूंगी, क्योंकि उसके टेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो साजिद की अम्मी बोली, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मेरी फरियाद सुन ली। और फिर साजिद अपनी बीवी शबाना के कमरे में गया, उसे मुबारकबाद दी। और फिर साजिद थोड़ी देर शबाना के पास बैठा और फिर बोला, अच्छा शबाना, मैं नेहा को देखकर आता हूँ। शबाना बोली, जी ठीक है, इस वक्त वैसे भी आपकी जरूरत है। जब साजिद नेहा के कमरे में गया, नेहा रो रही थी और अपने कपड़े बैग में पैक कर रही थी। साजिद बोला, क्या नेहा, तुम कहीं जा रही हो? नेहा ने कहा, जी हाँ, मैं हमेशा हमेशा के लिए आपका घर छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अब इस घर में नहीं रहना चाहिए। मैंने शबाना के साथ बहुत गलत सलूक किया है, मैंने उसे बहुत बुरा भला कहा है, शायद उसी की सजा मुझे मिल रही है। और मैंने आपका और आपकी अम्मी का ख्वाहिशों पर भी पानी फेर दिया है। इतने में शबाना भी नेहा के कमरे में आ गई। नेहा ने शबाना से माफ़ी मांगी। फिर नेहा बोली, अब मेरी इस घर में कोई जगह नहीं, अब मुझे चले जाना चाहिए। शबाना बोली, नेहा, मुझे भी तो बांझ कहा गया था, अल्लाह तबारक व ताला ने मेरी सूनी गोद भर दी, शायद तुम पर भी अल्लाह तबारक व ताला अपना करम फरमा दे, और मेरा बच्चा भी तो तुम्हारा बच्चा होगा, और हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे, हमारे बच्चों को दो माओं का प्यार मिलेगा। यह सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गया, वो शबाना के गले लगकर रोने लगी। फिर शबाना को अल्लाह तबारक व ताला ने एक प्यारे से बेटे से नवाजा, और अब नेहा शबाना के बेटे को अपना बेटा समझती है, और शबाना को अपनी बड़ी बहन समझती है, और साजिद अपने दोनों बीवियों के साथ बहुत खुश हैं। दोस्तों, बच्चे की चाहत ने साजिद को दूसरी शादी करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन साजिद की दूसरी बीवी होशियार और चालाक थी, लेकिन चालाकी में उसने अपना ही नुकसान कर लिया। जिस शबाना को वो देखना तक नहीं चाहती थी, उसी शबाना ने नेहा की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।